आप देख रहे हैं देश को जवाब दो और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। इस वक्त मैं गुजरात में हूं और सूरत से डायमंड सिटी सूरत से देश को जवाब दो, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर हुआ उसकी गूंज यहां गुजरात में भी सुनाई दे रही है और उस मुद्दे पर यहां भी सियासत हो रही है। श्रद्धा ने 2020 में मुंबई पुलिस को जो शिकायत की थी, अगर उस पर कार्रवाई की गई होती तो श्रद्धा आज हमारे बीच होगी। और इस चिट्ठी के लीक होने के बाद अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, इस पर अब जबरदस्त सियासत हो रही है। बीजेपी इस पूरे मामले में तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार को घेर रही है और ये कहा जा रहा है वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि अगर उस वक्त उद्धव सरकार जागी होती तो आज श्रद्धा हमारे बीच में होती। सवाल ये उन्होंने ये पूछा, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि आखिर श्रद्धा ने जब शिकायत की तो पुलिस ने उस वक्त उसकी हेल्प क्यों नहीं की, जांच क्यों नहीं की, अगर उस वक्त जांच की गई होती तो आज श्रद्धा हमारे बीच होगी। उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर किस वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं की। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि ये पूरा मामला लव जिहाद का था, जबकि कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब कहते हैं भाई ये तो घटनाएं होती रहती हैं, इसको लव जिहाद का जुमला देना गलत है, कुछ लोग एक धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आफताब ने जिहादी सोच के तहत, साजिश के तहत श्रद्धा को मौत के घाट उतारा। सवाल ये भी है कि क्या आफताब एक सोची समझी रणनीति के तहत मुंबई से श्रद्धा को लेकर दिल्ली आया। और सवाल ये भी है कि समय रहते श्रद्धा की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, नहीं तो आज वो हमारे बीच होगी। क्या पुलिस किसी दबाव में थी, इस मामले की जांच की अब बात उठ रही है। इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं तराशूंगा देश को जवाब दो में। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन उसके पहले इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। श्रद्धा हत्याकांड में लापता कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। मुंबई टू दिल्ली तक का आफताब के अपराध के छिपे निशान खोजने में पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट बेहद अहम माने जा रहे हैं। इस मामले में श्रद्धा की 2 साल पुरानी एक चिट्ठी सामने आने के बाद नया खुलासा हुआ है। श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ 2 साल पहले मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा है कि वह मुझसे गाली गलौज और मारपीट करता है, आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की, उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया कि वह मुझे जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा और फेंक देगा, मुझे किसी भी तरह की शारीरिक चोट के लिए वो जिम्मेदार होगा। जाहिर है श्रद्धा को उस अनहोनी का डर था जो बाद में सच साबित हुई। इस खुलासे के बाद बीजेपी महाआघाड़ी गठबंधन पर सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि श्रद्धा की चिट्ठी बहुत ही गंभीर मामला है, पुलिस ने उस समय में कार्रवाई क्यों नहीं की, यह सब पता करने के लिए इस मामले में जांच की जरूरत है। साफ है बीजेपी उस समय सरकार में मौजूद उद्धव सरकार पर निशाना साध रही है, तो पुलिस ने भी अपनी सफाई दी है। कौन से ऐसे कारण हैं कि उद्धव सरकार ने किसी को जान का खतरा है ऐसी चिट्ठी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की? जांच हुई है, जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है। एक तरफ बीजेपी उस वक्त की महाघाड़ी सरकार पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से इसे लव जिहाद बताते हुए केंद्र में कड़े कानून की वकालत की। श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए, फिर किसी ने पुलिस ने इसको पूछा भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं, बोला नहीं हिंदू भावुक होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की, लेकिन श्रद्धा की चिट्ठी के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सही समय पर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो क्या श्रद्धा की जान बच सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आफताब ने सोची समझी रणनीति के तहत श्रद्धा का मर्डर किया, क्या ये पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है और इसमें मुंबई पुलिस की लापरवाही है।
क्या वो किसी दबाव में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं की, क्योंकि श्रद्धा ने 2020 में शिकायत की थी और इसके बाद 20 दिन तक पुलिस होती रही, फिर उसने शिकायत को वापस लिया और उसने साफ साफ कहा था कि आफ्ताब मुझे मारता है और मेरी जान को खतरा है। और क्या अब वो वक्त आ गया है, जैसा कि हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि लव जिहाद पर केंद्र सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ बरखा त्रहन जी हैं, ये अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जवाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद अतीक जुड़ रहे हैं, ये राष्ट्रीय सचिव है IUML के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका भी आपसे तारुफ करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बरखा त्रहन जी आपके पास आएंगे। इस घटना को देखने सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या आपको लगता है अभी जो चिट्ठी आई, जो लीक हुआ, उसमें श्रद्धा ने कहा था 2020 में शिकायत की थी कि मेरे साथ मारपीट होती है, मुझे मारने की धमकी देता है, क्या लगता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस ने चूक कर दी, मुंबई पुलिस ने चूक कर दी? अगर समय रहते जांच की गई होती तो आज श्रद्धा हमारे बीच होती, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था वहां पे? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि ये बहुत ही दर्दनाक पूरा जो हत्याकांड है, बहुत ही इसकी बारे में हम जितनी चर्चा कर लें उतनी कम है। कड़ी से कड़ी सजा, जितनी भी कड़ी सजा मिल सकती है वो मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए इस केस में। लेकिन आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा है मुंबई पुलिस के ऊपर, तो मैं आपको थोड़ा सा एक वाक्या बताना चाहती हूँ। कुछ साल पहले ज़ायरा वासिम एयर विस्तारा से ट्रैवल कर रही थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ जो भी उनका अनुभव रहा उसे इंस्टाग्राम पर लिखा था, और मुंबई पुलिस सुपर एक्टिव है, जिन्होंने आमिर खान के इंटरवीन करने के बाद तुरंत उस लड़के को उठा लिया घर से, जो कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने सिर्फ इतनी बात लिखी थी कि मेरा मोलेस्टेशन हो गया, जिसको पूरे जहाज में बैठे हुए किसी ने नहीं देखा, ना कि एयरपोर्ट स्टाफ ने देखा, ना क्रू मेंबर्स ने देखा, ना किसी ने देखा, ना को पैसेंजर्स ने देखा, लेकिन मुंबई पुलिस सुपर एक्टिव थी, उसे पकड़ के ले गए जेल में, हैंड कफ करके सबसे बड़ा क्रिमिनल बना के उसे रखा, उस लड़के को, विकास नाम है उसका। लेकिन यहां पर अब देखिए, एक लड़की आम परिवार की पूरा लेटर लिख रही है, अपनी पूरी जो उसके साथ आप बीती है वो लिख रही है, मार रही, रोज मारा पीटा जा रहा उसे, वो अपना दुख बयान कर रही है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की बेटी पिटे तो हम कहते हैं पुलिस जाओ, पुलिस के पास गई थी वो तो क्या कर लिया, आज वो हमारे बीच में होती आज ना तो हम ये डिस्कशन कर रहे होते, ना उनके माता पिता रो रहे होते। आप सोचिए, वो माता पिता अनेकों हैं इस देश में जो रोते हैं क्योंकि पुलिस कहीं उनकी सुनवाई नहीं करती है और ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन जब अमीरों के मामले आते हैं, ज़ायरा वासिम का इंस्टाग्राम पोस्ट देखने के लिए पुलिस के पास टाइम था, आप सोचिए, कोई कंप्लेंट नहीं करी थी उसने, सिर्फ इंस्टाग्राम पे लिखा था, उस पर भी जो पुलिस सुपर एक्टिव थी वो आम लोगों के लिए काम नहीं करते, ये सिर्फ पैसों वालों के लिए काम करते हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा? कुछ क्या जस्टिस फॉर श्रद्धा लिख देने से न्याय मिलेगा? वाजिब सवाल आपने उठाया, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल उठाया। मोहम्मद अतीक साहब, क्या अब जो इंसाफ है वो जाति धर्म को लेकर किया जाएगा? क्या लगता है कि श्रद्धा ने जिस तरह की शिकायत की थी, इसमें मुंबई पुलिस की लापरवाही थी? क्या लगता है कोई पॉलिटिकल दबाव था जिसके वजह से मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की, जिस पे अब सियासत हो रही है? देखिए अंजलि, मैं तो पहले से कह चुका हूं कि हिंदुस्तान में लव जिहाद जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब मुंबई पुलिस ने उसकी जांच क्यों नहीं करी, इसकी भी जांच की जरूरत है। अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था तो यह भी बहुत बड़ी गुनाह की बात है, क्योंकि श्रद्धा जैसी हमारी बहन, उसका कत्ल कर दिया आफताब जैसे दरिंदे ने, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इसको एक ऐसा एंगल हिंदू और मुसलमान का देने की कोशिश की जा रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो बेरहमी से मारी गई है और आफताब को फांसी होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बच जाते हैं, वो बचने ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो वहां से उसको चालाकी से बुला के लाया था तो इसका मतलब है, क्योंकि श्रद्धा ने कहा था कि जो है वो अपने माँ बाप से उसने बगावत करी थी, जैसा कि आप ही के चैनल पे सुना था कि वो अपने माँ बाप से बगावत करके आई थी कि नहीं, हम मुझे आफ्ताब के पास ही रहना है,
और इसके अलावा वो रह रही थी इतने सालों से, उसने उसके बाद लेटर भी लिखा, दोस्तों को भी बताया और लापरवाही हुई जांच में पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद श्रद्धा आज हमारे साथ होती और वो जिंदा होती, अपने परिवार के साथ होती और खुश होती, क्योंकि एक दरिंदे से उसको छुट्टी मिल चुकी होती। लेकिन दरअसल बात यह है कि दरिंदगी की हद यह है कि लोग उसके मर्डर को अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, एक मजहब के ऊपर पूरी तरह से थोप रहे हैं कि ऐसा एक लव जिहाद का कानून बनना चाहिए। जबकि मैं तो कहता हूं कि लव जिहाद का कानून हो ना हो, इस्लामोफोबिया का खिलाफ एक कानून जरूर बनना चाहिए जो मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के आपको क्या लगता है लव जिहाद का कानून बनना चाहिए? क्योंकि अभी देखिए अभी श्रद्धा का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। श्रद्धा का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। चंडीगढ़ में ऐसे ही एक युवक का नाम बदल के, हिंदू नाम बदल के उसने उससे लव किया। बाद में जब लड़की को पता चल गया कि मुस्लिम है, उसने बातचीत बनना बंद कर दिया। तो चंडीगढ़ में भी कल की खबर है, घर में घुसकर गला दबा के उसको मार दिया। दुमका की बेटी को आप भूल भी नहीं पाओगे, ऐसे कितने मामले में गिनवा दूं पिछले एक महीने में। बिल्कुल आंजनी, देखिए मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, ये जो बैठी हुई शर्म की बात कर रही, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट घराने के की लड़की ने कलकत्ते में रिजवानुर रहमान से शादी कर ली थी, उसकी भी लाश जो है रिजवानुर रहमान की लाश रेलवे ट्रैक पे मिली थी। लेकिन हम किसी मजहब को ब्लेम नहीं करते, मुझे मालूम है कि क्रिमिनल माइंडेड इंसान कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा तंदूर कांड में कौन मुसलमान था? कोई मुसलमान नहीं था। उसने अपनी पहचान छुपा कर अगर आप बात करते हो, उसे लव करते हो, इसको क्या कहा जाएगा सर? बिल्कुल ये एक फ्रॉड है, बिल्कुल एक फ्रॉड है। एक फ्रॉड करने का जो मुकदमा होता है जरूर चलना चाहिए। अच्छा, ये फ्रॉड बाद उसने उसका ये फ्रॉड है तो ठीक है। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं हिंदुस्तान में, हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं, शिवम त्यागी और संजय राणा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक समीक्षक है शिवम भाई। अब देखिए अतिक भाई कह रहे हैं कि भाई ये तो फ्रॉड है, यहाँ पे हमने चार पांच उदाहरण गिनवा दिए एक महीने के अंदर, किस तरीके से नाम बदल कर किया गया, हिंदू लड़कियों की हत्या की गई, कह रहे ये तो फ्रॉड का केस है, ये क्रिमिनल केस है। जबकि आपके नेता जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं इस पर लव जिहाद पर सख्त कानून बनना चाहिए, और उधर मुंबई पुलिस की लापरवाही थी नहीं तो श्रद्धा आज हमारे बीच में होती। देखिए अंजनी भाई, एक चीज़ है सबसे पहले तो कि ये लव जिहाद का एजेंडा और लव जिहाद की जो केसेज आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई टर्म कॉइन नहीं किया है। 2012 में केरला हाई कोर्ट ने इस टर्म को कॉइन किया और कहा कि केरला में जिस तरीके से टारगेट करके धर्म बदल के हिंदू बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है, ये लव जिहाद का एक प्रोपेगेंडा है, और जिसमें तमाम सारी चीज़ें गिनाई। और ये सिर्फ वहाँ पर हिंदुओं के साथ हुआ ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ भी वहाँ पर ऐसा हुआ और तमाम चर्चेस सामने निकल कर आए और ये हुआ और तमाम चीज़ें हुई। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में आई, उस पर कानून बनाने की बात हुई, कानून बनाया गया, उसके बाद और तमाम जगहों पर ऐसे केसेस आए। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस देश में लिंचिंग का मतलब लिंचिंग होता है ना, चाहे वो हिंदू की लिंचिंग हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो सिख की हो, ईसाई की हो, लेकिन जब ध्रुवराज त्यागी मरता है, अंकित शर्मा मरता है, तो ये देश ना तो लिंचिस्तान मतलब होता है और ना इस देश में खतरा हो जाता है एक पर्टिकुलर समाज को। लेकिन अखलाक और पहलू खान की जब लिंचिंग होती है तो ये देश लिंचिस्तान, ये माइनॉरिटीज के लिए खतरा, माइनॉरिटीज के लिए दिक्कत, इस देश में मुसलमान रह नहीं सकते, ये देश खराब है, ये देश बर्बाद है, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मुसलमानों को परेशान कर रहा है, उनको रहने नहीं देना चाहता, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तमाम कहानियां आ जाती हैं। मतलब दो अलग अलग लिंचिंग में अगर मुस्लिम के साथ ऐसा हो जाए तो गलत है, लेकिन यहां पर इतने तमाम केसेस मिल रहे हैं जो दिन रात इस तरह की चीजें आ रही हैं, जो दिन रात इस तरह की चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, कहते नहीं नहीं ये लव जिहाद तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, नहीं हो सकता, आप केरला के हाईकोर्ट के जज से बड़े होंगे, लेकिन ये एक रियलिटी है इस देश की कि ये एक मॉडस ऑपरेंडा चल रहा है, लगातार देखा गया है, लगातार अलग अलग सरकारों ने इस पर अभी बात की है। मैं तो कहता हूं झारखंड सरकार ने भी बात की है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तमाम तरह के केसेस ऐसे जो है वहां पर रिपोर्ट हुए हैं। मेरा मानना है कि इसमें एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं, मेरे बराबर में जव्वाद बैठे हुए हैं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि जव्वाद अपनी प्रेमिका को, अगर ये किसी से प्रेम करते हैं और नहीं भी करते हैं, तो किसी बच्ची को 35 टुकड़े काट कर उसको फ्रिज में रख देंगे, उसको 15-20 दिन महीने तक रखेंगे, एक एक को बाहर फेंक कर आएंगे, और जो है हर रात जो है वहां पर महिलाएं दूसरी भी आएंगी, नई डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और तो और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या उसको मारेंगे, पीटेंगे, चिकन खाने पर मजबूर करेंगे। अगर
कोई ऐसा काम कर रहा है तो वे व्यक्ति मैं मानता हूं कि वो ट्रेंड है, उसको कहीं से ट्रेनिंग है, फंडिंग है, सपोर्ट है, विश्वास है कि वो बच जाएगा और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है। जज नहीं बनना है। जवाद भाई, सवाल आपसे है। बिल्कुल पॉइंट है जवाद भाई, बहुत बड़ा मैटर है। क्या आपको लगता है जो अभी श्रद्धा की चिट्ठी आई कि उन्होंने 2020 में पुलिस में शिकायत की थी, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगता है कि कोई पॉलिटिकल दबाव था मुंबई पुलिस के ऊपर? अगर उस वक्त कोई कार्रवाई की गई होती तो आज हमारे बीच श्रद्धा होती? क्या लग रहा है इसमें जो सेक्युलरिज्म की राजनीति होती है उसके चलते मुंबई पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, ऐसा आरोप बीजेपी के फडणवीस साहब लगा रहे हैं? देखिए अनजीत भाई, आपसे काफ़ी दिन पहले इस डिबेट के अंदर जब चर्चा हो रही थी और मैंने बड़े आपको तरीके से इस पूरे मसले को समझाया था कि जघन्य अपराध है, अपराधी के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और एक ऐसी नज़ीर पेश करना चाहिए कि जो लोग हमारे भारत को, हमारे भारत के कानून को कमजोर समझते हैं की सजा उनके खिलाफ जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं किसी के बीच में बोला, मैं किसी के बीच में बोला, तो आप कह रहे हैं किसी के बीच में बोला, मैं किसी के बीच में बोला, बिल्कुल होनी चाहिए। पूरी बात सुनिए, बिल्कुल होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उसका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन इसी मंच के ऊपर जब मैंने कहा था कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो इसके आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि गुजरात के अंदर चुनाव है, खुल के बोलिए ना, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग बुलाएंगे, उनसे भी बचने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर चुनाव है, कौन लोग है, खुल के बोल रहे हैं? अरे कौन लेकर गया, कौन लेकर गया, कौन लेकर गया? मैं तो यहाँ पर इसके अंदर मैं तो हिंदू मुसलमान जवाब जी नहीं देख रहा। जवाब जी, एक बार बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, मेरा सवाल जवाब भाई से, बरखा जी, एक मिनट मुझे सवाल करने दीजिए, बरखा जी, मैं हूँ यहाँ पे, बरखा जी मैं हूँ यहाँ पे, मैं सवाल कर रहा हूँ, बरखा जी, कौन है वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो इस आधार के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप फांसी की सजा की मांग नहीं कर रहे? एक बार भी आपने फांसी की सजा मांग नहीं की? बताइए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ठीक है, नहीं बरखा जी, मेरा सवाल जवाब से, बरखा जी मेरा सवाल जवाब से है, ऐसे देखिए मैं बाहर हूँ, समझ नहीं आएगा फिर कुछ कर रही है, ये सब सवाल जवाब से है। ठीक है, संजय राणा आपके पास आएंगे, संजय राणा के पास चलते हैं। संजय राणा, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में हत्या हुई, मुंबई पुलिस की लापरवाही सामने आई, क्या लगता है कि किसी दबाव में कार्रवाई नहीं की गई? और जैसा कि अभी जवाद राजनीति की बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं भाई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, उनके खिलाफ बात कर लीजिए, देख लीजिए। संजय राणा बोलिए, दोनों बेटी है, बिल्कुल भी बेटी है, सारी बेटियां और जिनके साथ अन्याय हुआ वो सभी देश की बेटियां हैं। लेकिन समस्या क्या है, राजनीति करेंगे इसके ऊपर, राजनीति करेंगे। अरे जवाद जी बरखा जी बोलो, डाउन करिए। संजय राणा बोलिए खिलाफ भी देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तो कौन लोग कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। जवाद मेरा सवाल संजय राणा से है। संजय राणा जवाब दीजिए, आपको बड़ी तकलीफ होती है। संजय राणा है क्या फिर, आवाज मिल रही मेरी जी? संजय राणा, मेरी आवाज मिल रही आपको? बिल्कुल आ रही है। जवाब दीजिए, क्या मुंबई पुलिस की लापरवाही है, क्या पॉलिटिकल कोई दबाव था? आप जवाब दीजिए। और जवाद भाई थोड़ा सुनिए, आप देखिए ऐसा डिबेट नहीं होती, सुनिए, मैं बाहर हूँ, आपकी आवाज गूंज रही है, एक एक करके बोलिए। गुड इवनिंग अंजीत जी, गुड इवनिंग टू माई फेलो पनीत। देखिए ऐसा है कि जब आप बात करते हो, आपका नाम रहमान, सुलेमान खान, शाहरुख, आमिर, ये अगर नाम रहता तो आपको प्रिविलेज मिलता है। हिंदुस्तान की एक नियम है, जितने भी सेकुलर सरकारें हैं उसको प्रिविलेज मानती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए अगर ऐसा है कि अगर ये लव जिहाद नहीं है तो मेरे पास फायर लिस्ट है लड़कियों की, मैं नाम गिनाता हूँ।
निकिता तोमर, अंजलि आर्या, नीतू प्रिया, कशिश मानसी दीक्षित, तंशिका शर्मा, नैना कौर, प्रिया सोनी, शिवानी, दीक्षा मिश्रा, बबली राणा, वर्षा चौहान, एकता देशवाल, खुशी परिहार, अतिमा, हीना तनेजा, चयनिका कुमारी, अंकिता, ऐसे बहुत सारी फैनलिस्ट हैं जो लिहाद का जब लव जिहाद का शिकार हुई हैं। लेकिन यह समझने की बहुत ज़रूरी, देश में तीन तरह के एजेंडा चल रहे हैं। लव जिहाद की भी अलग अलग एजेंडा है। एजेंडा हाँ। एक है, एक आदमी लव जिहाद करता है, दूसरा आदमी टीवी पे उसी कम्युनिटी का आकर के बोलता नहीं नहीं उनको सजा होनी चाहिए, बहुत गलत हुआ। तीसरा वो है जो भड़काता है, जैसे भड़कायू भाईजान जो 128 रुपए का रिचार्ज जिसको मैं कहता हूँ। तो तीन तरह के लोग हैं इस देश में, तीन तरह की मानसिकता है और तीनों का एजेंडा एक ही है, अपनी विचारधाराओं को बढ़ाना और विस्तार करना उसको। तो जो भी आदमी अगर टीवी पे डिबेट में आकर ये बोलता है कि ये निंदनीय कार्य है, तो ये बताइए निंदनीय कार्य, ये जितनी लड़कियों का नाम बताए आप ही के समाज से क्यों आती हैं? यह हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, वहाँ से क्यों नहीं आता है? तो ये मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये फंडेड है, इसमें कोई शक नहीं है। एक आर्टिकल मैं पढ़ा था पश्चिम बंगाल का, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर लड़की को पटा मतलब एक लव में उसको इंगेज करते हैं तो 50,000 रुपये, शादी करते हैं छत्री है या ब्राह्मण है तो उसको 5,00,000 रुपये मिलता है। इस तरह की फंडिंग, इस तरह की सोच, इस तरह की विचार है, तो आप समझिए कि लोग लोग क्या तुष्टिकरण की सियासत करने वाले लोग इस मामले पे राजनीति कर रहे हैं। अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है, ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? इस पर भी सवाल होगा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देश को जवाब दो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गुजरात में, और गुजरात में भी श्रद्धा मर्डर मामले की गूंज सुनाई दे रही है, यहां पर भी उस मुद्दे को उठाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने गुजरात किरण में कहा कि श्रद्धा की जो हत्या हुई थी वो कोई आम हत्या नहीं है, ये सोची साझी साजिश के तहत किया गया है, लव जिहाद के तहत किया गया है। अब वक्त आ गया है जब लव जिहाद पर सख्त कानून बनना चाहिए। लेकिन इस पैनल में भी तमाम ऐसे हमारे साथी मौजूद है जो कह रहे हैं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं लव जिहाद कानून की। हमने 10 उदाहरण हमने गिनवाए, तमाम हमारे पैनल में लोग उन्होंने गिनवाए, लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है, अशोक गहलोत साहब कहते हैं भाई ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, एक धर्म को बदनाम करने के लिए एक जुमला फेंक दिया बीजेपी ने। शिवम त्यागी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं भाई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं लेकिन एक धर्म को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने एक जुमला फेंक दिया है। उनकी मजबूरी आप समझिए ना अंजनी जी, उनकी मजबूरी समझिए। चुनाव राजस्थान का सर पे है, मुस्लिम तुष्टिकरण की ये पार्टी है, यहाँ पर मुस्लिमों के अलावा ये अगर किसी पर बात कर दें, इनसे जरा पूछना एक बार, मैं तो सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। छोड़िए अशोक गहलोत, तो वो तो छोटे नेता हैं, बड़े नेता राहुल गांधी हैं। आपको याद होगा जब अखलाक की लिंचिंग हुई थी, वो तुरंत भाग कर पहुंच गए थे दादरी, तुरंत उसके परिवार से मिलकर आए थे। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में वो पैदल पदयात्रा कर रहे हैं और श्रद्धा जो है महाराष्ट्र की ही थी, तो क्या श्रद्धा के घर भी जाएंगे या बस अखलाक ही भाई था उनका, श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी बहन नहीं थी, नहीं जाएंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक ट्वीट नहीं करेंगे, तो आप अशोक गहलोत से क्या उम्मीद करेंगे? कल परसों उनके गुजरात के नेता चंदन ने कहा कि भाई देखिए मुसलमान सिर्फ इस देश को बचा सकते हैं और मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है, इसके अलावा जितने भी इनके जारकीवाली जो थे उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द का मतलब बहुत खतरनाक है, इसके अलावा आए दिन ये लोग गाली देते रहते हैं। सुन लीजिए, तो इनसे आप बहुत ज्यादा श्रद्धा के बारे में उम्मीद मत कीजिए। हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर के श्रद्धा के साथ स्वामी चिन्मयानंद के बारे में बात कर लीजिए, आफताब की जरा अमन होता देंगे या अनुज होता दलित दे देंगे, तो अभी तक तो बच्ची के घर के बारे में 4-5 करोड़, 2-3 और पता नहीं क्या क्या, उत्तराखंड की अंकिता के बारे में क्या बोलेंगे? मैं बोल लूं? अरे तो क्या आप बताइए, आप अंकिता बोल लूं? उत्तराखंड की मेरी बहन थी, हां बोल लूं? अब कौन बोल निकले? भारतीय जनता पार्टी के निकले? नहीं बोल लूं मैं? उत्तराखंड के बारे में बोलिए ना, की बात हो गई, सवाल पूछूंगा आपसे, सीधे हमारे पास आऊंगा, बहुत सीधी बात यहां पर इतनी, मुझे सवाल मैं पूछूंगा आपसे जी शिवम, कि इस तरह की बातों पर वो जवाब देंगे तो नहीं देंगे? हां, एक अगर आफ्ताब की जगह तो अभी तक परिवार वालों को 5-10 करोड़ मिल गए। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही राजनीति है, यही राजनीति होती है। और कौन सेक रहा है राजनीतिक रोटियां? पहचाने देश की जनता ऐसे लोगों को जो हत्याओं के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, चुनाव के अंदर
आप मुद्दे को ठीक है अतीक जी मोहम्मद अतीक जी प्रयोगशाला ठीक है मोहम्मद अतीक जी डिबेट में आइए आप भारतीय मोहम्मद अतीक जी डिबेट में आइए आप अब ये बताइए सियासत हो रही है कि नहीं ले जाएंगे महाविकास अघाड़ी की उस वक्त वहाँ सरकार थी और उस वक्त पुलिस ने कुछ नहीं किया और अब अशोक गहलोत कह रहे ऐसी घटनाएं होती रहती है ये जुमला है लव जिहाद क्या ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसकी वजह से ऐसे लोगों का मन बढ़ रहा है अतीक भाई क्या तुष्टीकरण जो सियासत हो रही उसकी वजह से ऐसे लोगों का मन बढ़ रहा है जी अंजनी जी अंजनी जी देखिए मैं तो ये कह रहा हूं सबसे पहले तो पता होना चाहिए आफताब है कौन अभी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है बड़ा मिस्ट्री चल रही है कि आफताब मुसलमान है भी कि नहीं है और दूसरे ये भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को क्रिएट करा है वो इसलिए कि जैसे ये इंसिडेंट होता है गिरिराज किशोर क्लियर है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चले नहीं वो सिर्फ व्हाट्सएप चल रही है बाकी सब क्लियर है अब आगे जवाब दीजिए क्या तुष्टीकरण की सियासत की वजह से ऐसे लोग मन बढ़ रहा है देखिए भारतीय जनता एक नहीं है आफ्ताब के अलावा तमाम हम चाहे दुमका की बात कर लें या भी चंडीगढ़ की बात कर लें ये सिर्फ 15 दिन में हुआ है सब सुनिए गिरिराज किशोर कैमरे पे सबसे पहले आते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं सरकार में और गिरिराज किशोर सबसे पहले आते हैं और इसको लव जिहाद का मुद्दा उछाल के बना देते हैं कि ये लव जिहाद है उसके बाद क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने इनके हिंदुत्व एजेंडे को हाईजैक कर रखा है जिसकी वजह से इनको ये करना मंत्री का नाम लिया है कम से देखिए ये करना पड़ रहा है और बात सुनिए और दूसरे ये कि इस समाज को इस्लाम और मुसलमान बहुत सूट करता है आप ये बताइए कि हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद हेमा मालिनी से पूछे कि जब उनको शादी करनी थी तो वो धर्मेंद्र दिलावर क्यों आए कौन सा लव जिहाद जब आपको दूसरी शादी करनी होती है तो अपना लेते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं और जब ऐसा कोई मामला होता है तो आप फौरन इस्लाम को जो है गालियां देने लगते हैं और लव जिहाद की बात कहने लगते हैं पहले आप ये बताइए कि ऐसे क्यों लोग हैं जिनको जो लोग जो है कन्वर्ट होकर शादी तो फिर अशोक गहलोत एक तो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत कह रहे हैं ऐसी घटनाएं होती रहती है आम है मीठी बात करते हैं और बोलेंगे मैं इसका कंटेंट करता हूँ संजय जी भी बचने संजय जी संजय जी संजय जी बोलेंगे संजय सवाल शर्म आनी चाहिए हमेशा मुसलमानों पर हमेशा हमला करते रहते हैं आपको ये शर्म आनी चाहिए और शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को जो स्पॉन्सर्ड लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग अतीक जी देखिए अभी अभी देखिए राजनीति की अतीक भाई देखिए आपने राजनीति की बात की मेरा दोनों तरफ सवाल होता है आपने गिरिराज किशोर का बयान दिलाया भाई ये लव जिहाद है आप अभी अशोक गहलोत कह रहे हैं भाई ये तो जुमला है लव जिहाद के एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है ऐसी घटनाएं होती रहती हैं अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे बोलेंगे तो क्या तुष्टिकरण की राजनीति है और ऐसे में आफताब और तमाम लोगों का मन नहीं पड़ेगा इस पे तो आप बोलते नहीं क्योंकि आपको सूट करता है अंजनी जी देखिए अंजनी जी मैं तो कह रहा हूं कि आप जो है रिजवानुर रहमान को दिलाइए ना इंसाफ रिजवानुर रहमान कौन था जिसने की एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट घराने की बेटी से शादी करी प्यार मोहब्बत करा वो साबुन बनाते हैं अंडर गार्मेंट्स बनाते हैं उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं मुझे मुसलमान दामाद नहीं चाहिए बेटी को बहाने से घर ले गए उसके बाद रिजवानुर रहमान का कत्ल कर दिया आज तक उसको हाईकोर्ट के इंटरवीन होने के बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिला है लेकिन हम हिंदू कम्युनिटी को नहीं ब्लेम करेंगे क्योंकि ऐसे लोग जवाब दीजिए क्या लग रहा है क्या लग रहा है कि इस पे सियासत हो रही है क्या सियासत हो रही है हजारों केसेस है लव जिहाद का बेटियों को सम्मान की बात करते हैं तो कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए लव जिहाद है और इस मर्डरर को वाला को कड़ी से कड़ी सजा मांग करती हूं मैं फांसी की सजा होनी चाहिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए और हमारे मिनिस्टर साहब जो ये बोलते हैं कि कि अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता अगर अगर राजस्थान के मिनिस्टर की बेटी के साथ भी यही होता तो अभी वो ये कहते कि ये आप होता रहता है उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात ना बोले और जो लव जिहाद का मामला उठा रहे उनकी आवाज दबा सकते हैं आप उन्हें चुप करा सकते हैं लेकिन मामले कम नहीं हो रहे मामले बढ़ते जा रहे हैं मामले बढ़ते जा रहे हैं लव जिहाद के
जाएगी। अरे आप उनसे नहीं पूछेंगे जो कहते हैं आपकी बात नाम लीजिए सवाल करिए चलिए संजय राणा संजय राणा संजय राणा जो सवाल आज हिमंता बिस्व शर्मा ने उठाया कि क्या लव जिहाद पे कड़ा कानून बनना चाहिए, क्या वो वक्त आ गया है, क्या अब वो वक्त आ गया है कि कड़ा कानून बनना चाहिए? संजय राणा संजय राणा संजय राणा बोलिए संजय राणा जवाब इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलिए संजय राणा। देखिए ऐसा है कि जब्बार साहब जो यहाँ पे टीवी डिबेट में जिहाद फैला रखे हैं उनको बोलूंगा दो मिनट में वाणी को विराम दे। देखिए ऐसा है कि जब इस तरह की घटना करते घूमते हैं अभी फिर देखिए ये जिहाद हर जगह चल रहा है, टीवी पे भी जिहाद इनका चल रहा है। देखिए अंजनी बोलने दीजिए बोलने दीजिए अंजीत भाई अरे अरे बोलिए अरे मत करिए साहब बात रखिए आप अपनी। अंजनी भाई देखिए ऐसा है बोलिए 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 संजय भाई बोलिए कि क्या चल रहा है देश में, ये बोलते हैं सरकार का काम है गृह मंत्री है उस पर एक्शन लेना चाहिए। अरे आप अपने सोसाइटी में जाके अपनी मानसिकता बदलने की बात क्यों नहीं करते हो, आप अपने लोगों को समझाते क्यों नहीं हो? लेकिन आप नहीं समझाओगे क्योंकि आपका एक तरफा एजेंडा है। आप क्यों स्पॉन्सर्ड कर रहे हो? एक आदमी पंचर बनाता है, अरे मैं बता रहा हूँ एक आदमी पंचर बनाता है उसके पास बाइक आ जाती है उसको घुमाने के लिए लड़की घुमाने के लिए पैसे भी आ जाता है लोअर कास्ट में शादी कर ली। देखो अपर कास्ट लोअर कास्ट ये जितने भी यूएससी के फॉलोअर है जितने भी फॉलोअर है ये हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में बाल्मीकियों को आपने क्यों नहीं दिया रक्षा? बताओ नहीं दिया आपने रक्षा? अरे भैया आपके साथ यही प्रॉब्लम है, हर जगह जिहाद फैला रखे हो हर जगह। जवाब भाई ठीक है संजय जी जवाब से मेरा सवाल संजय जी जवाब से मेरा सवाल डिबेट पे संजय जी जवाब से मेरा सवाल जवाब ठीक है जवाब मेरा आपसे सवाल है संजय भाई ठीक है औरतों के संजय भाई जवाब से मेरा सवाल चार चार संजय भाई जवाब से मेरा सवाल जवाब भाई जवाब मेरा सवाल लीजिए जवाब सवाल लीजिए मेरा जवाब भाई सवाल लीजिए मेरा ठीक है संजय भाई जवाब सवाल लीजिए एक मिनट एक मिनट एक एक करके जवाब जवाब से मेरा सवाल है जवाब अभी फुलवारी शरीफ मॉड्यूल जो खुलासा हुआ एक मिनट जवाब सवाल लीजिए अभी फुलवारी शरीफ पे जो खुलासा हुआ उसमें ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी अरे जवाब सवाल लीजिए मेरा अरे जवाब भाई जवाब में मेरा सवाल लेंगे आप कि अगर आप लगातार बोलते रहेंगे आप बोलिए अरे पहले आप सुनिए जवाद भाई जवाद मेरा सवाल लेंगे आप मेरा सवाल लेंगे ऐसे डिबेट होगी मैं बाहर से मुझे कुछ समझ में यार कौन बोल रहा है। अरे आप इस तरह डिबेट करेंगे तो दर्शकों कुछ समय बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे बहुत आप बीच में बोलते हो पहले बहुत सेंसिटिव मुद्दे में बात कर रहा हूँ गंभीरता से बात करिए आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ मैटर नहीं है अभी फुलवारी शरीफ में जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे उसमें क्या ये बातें सामने नहीं आई थी? और आप सोचिए राजनीति की बात हो रही है क्या तुष्टिकरण की सियासत कांग्रेस नहीं कर रही अशोक गहलोत नहीं कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं भाई गिरिराज किशोर कर रहे हैं तो दोनों तरफ से क्या सियासत हो रही और क्यों नहीं लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए आप बताइए दो कारण बताइए। सवाल हो गया अब आपको जवाब देता हूं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मड़ियाओं का एक केस है उसके बारे में भी स्टडी करिए बिल्कुल रिवर्स केस है इसका साहब उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले देखिए सवाल का जवाब सवाल नहीं होता सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है सवाल का जवाब सवाल नहीं 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 सवाल का जवाब सवाल नहीं सवाल सही जवाब हो गए आप सही जवाब है आप अनिल भाई देख लीजिए ये है डिबेट त्रिहान जी बोले दीजिए इनको नहीं टोकेंगे त्रिहान जी एक बार बोले दीजिए बीच में नहीं टोकेंगे आप इनको मैं टोक रहा हूँ मुझे मत सिखाइए जवाब जवाब दीजिए आप बोलिए आप पॉइंट पे जवाब दीजिए सरकार से अरे सरकार से सवाल करिए ना सरकार से पूछिए सैयद जवाद के गले में दम डालने से नहीं होगा सरकार किसकी है जो कहते थे आपकी बार कौन सी सरकार बोला नहीं जाएगा अरे कब तक सरकार की पैरवी करेंगे हिम्मत रख लीजिए सरकार अरे सैयद जवाद सवाल के जवाब है आपके पास देश में सैयद जवाद की सरकार थोड़ी ना है जवाब आप बरखा जी की सरकार है सैयद जवाद का सवाल है तो ठीक है मैं जांच गृह मंत्री जी से
सरकार जवाब सवाल है, जवाब है आपके पास। हमारी गजब बात करती है भाई, मेरे सवाल का जवाब है, मैं जाऊं आपके पास। केंद्र में सरकार, आपने अपना अपना समय खत्म कर दिया। सैयद जवाद से करा जाए, जवाद आपने अपना समय खत्म कर दिया, आपने अपना समय खत्म कर दिया, आपने अपना समय खत्म कर दिया, आपने अपना समय जवाब खत्म कर दिया। आपको जवाब देना चाहिए था मेरे सवाल का। आप जा रहे हैं मेरे पॉइंट पे, जवाब दीजिए। कितना हुआ अल्लाह जा घुमा बैठ करके यहाँ पे बोलने नहीं दे। मैं सब सुन रहा हूँ, आप हल्ला कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आप हल्ला कर रहे हैं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आप दोनों लोगों का समय खत्म। शिवा आप चलते हैं, शिवा भाई आपके पास आते हैं, शिवम भाई आपके पास आते हैं। इतना सेंसिटिव मुद्दा, एक लड़की के 35 टुकड़े काट दिए गए, यहाँ बहस हो रही है, राजनीति हो रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो कोलकाता वाला मैटर हुआ उस पर इंसाफ क्यों नहीं हुआ? क्या इस तरह के उदाहरण देख के जो है आप बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए सेंसिटिव उनके लिए है जिनकी वो बेटी थी, सेंसिटिव उनके लिए है जिसके वो धर्म से थी, सेंसिटिव उसके लिए है जिसको वो अपनी मानते हों, सेंसिटिव उनके लिए है जो इस बात को सीरियसली लेते हों, सेंसिटिव उनके लिए है जिनको इस बात से कोई फर्क ना पड़ता हो, सेंसिटिव उनके लिए है जिनको 35 टुकड़ों में जानवर हो या आदमी उनको काटने की ट्रेनिंग ना हो, सेंसिटिव उनके लिए है जिसको खून देख के डर लगता हो, सेंसिटिव उनके लिए है जो जिसके लिए ये बात बहुत नॉर्मल ना हो। अब जब जवाद के हाथ में 8 साल का होते छुरा दे दिया था कि काटो बकरा, तो इन्होंने तो आदमी को बकरा ही समझ लिया, अब क्या करें बताइए। तो इनके लिए सेंसिटिव थोड़ी ना है, शिवम त्यागी के लिए सेंसिटिव है जो चींटी नहीं मार सकता क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको सिखाया नहीं, क्योंकि उसको ऐसा करने की आदत नहीं है, तो उसको लगता क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी डेवलप ही नहीं हुई। अब परेशानी यहाँ है कि अगर इन्होंने इसको इस तरीके से माना होता तो जरूर इनको सेंसिटिव लगता और ये जवाब देते। चलिए शिवम भाई समय इतना ही था, बस इतना जवाब दे दूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजीत भाई जवाब दे दूं, अंजीत भाई जवाब दे दूं, ठीक है? नहीं सवाल जवाब देना था, आपने जवाब दिया नहीं। मेरे पास समय इतना ही, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बरखा जी आपका, सैजाबाद भाई आपका, संजय राणा भाई आपका, शुभम भाई आपका, मोहम्मद अतीक आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। सेंसिटिव तो सेंसिटिव मुद्दे पर किस तरीके से सियासत होती है आप देखिए। एक बेटी के 35 टुकड़े काट दिए गए, इसके बाद पुलिस जाँच में वो आफ्ताब हंस रहा है कि भाई मैं तो मुझे लगा कि मैं सबूत मिटा के मैं बच जाऊँगा। ये सोच है, ये सोच कोई एक दिन में नहीं आई है, इसकी जाँच होनी चाहिए कि मुंबई पुलिस ने क्यों वक्त रहते जांच नहीं की। अगर वक्त रहते जांच की होती तो आज श्रद्धा हमारे बीच होती। फिलहाल देश को जवाब दो में आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान, नमस्कार। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।